उत्तर प्रदेश के जाट किसान दिल्ली से सटे इलाकों में साल भर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ धरना पर बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे। सरकार या बीजेपी ने उनकी सुध न ली, पर अब जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, बीजेपी को जाटों का ख्याल आया है। अब वह उन्हें मनाने, रिझाने, पटाने की कोशिश में लग गई है। इसी कोशिश में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के दिल्ली स्थित घर पर लगभग 250 जाट नेताओं से मुलाकात की है। इस बैठक में बीजेपी के प्रमुख जाट नेता, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, हरियाणा के कैप्टन अभिमन्यु, खुद प्रवेश वर्मा इस बैठक में मौजूद थे। अमित शाह के साथ इस मुलाकात में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों और ब्रज क्षेत्र के जाट पहुंचे हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरी बिरादरी के विधायक भी इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में जाट महासभा के अध्यक्ष सुभाष चौधरी भी मौजूद थे। वहां पहुंचे जाट नेताओं ने आपसी एकता बनाए रखने के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस ले लिए और इसके लिए माफ़ी भी मांग ली, लेकिन इन किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी देने के लिए संसद से कानून बने। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है, पर कमेटी अब तक बनी नहीं है। इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है। इससे जाट किसानों की सरकार से नाराजगी कम नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के करीब 135 सीटों पर जाटों का प्रभाव लगभग 100 सीटों पर है। बीजेपी ने 2012 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन जाटों का समर्थन मिलने पर 2017 में इस इलाके की 88 सीटों पर उसने जीत हासिल कर ली। पर इस बार इसे जाटों का समर्थन मिलेगा ये कहना बेहद मुश्किल है। बीजेपी को लगता है कि विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश, खासकर राज्य के पश्चिमी इलाकों में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के लिए जाटों की नाराजगी दूर करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014, 2017 या 2019 जैसा प्रदर्शन कर पाना बेहद मुश्किल होगा।